हेलो स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल संस्कार एजुकेशन हब आज के लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री की वर्कशीट नंबर थ्री ये वर्कशीट आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है जैसे आप वर्कशीट डाउनलोड कर लें इसे सॉल्व कर लीजिए सॉल्व करने के बाद में आप अपने क्वेश्चन के जो आंसर है वो इस वीडियो से मैच कर सकते हैं कि आपने कितने सही किए हैं और कितने रॉन्ग किए हैं ठीक है एनालिसिस कर सकते हैं अपने आप का इस वीडियो लेक्चर में जो वर्कशीट हमने लिए है इसमें जो क्वेश्चंस लिए हैं वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने लास्ट सीबीएसई एंड आरबीएसई एग्जाम्स में आए क्वेश्चन को लिया है इसके अंदर ठीक है चलिए तो वर्कशीट सॉल्व करते हैं वर्कशीट जो आपके पास दी गई है उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो क्या है वाई इज टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स एस एनवन रिएक्शन एज कम्पेयर टू द एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें देखी हैं एक आपके पास है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड अनदर वन इज एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो टर्सरी का मतलब हुआ हमारे पास यहाँ पे क्या होगा ब्यूटाइल मतलब फोर कार्बन वन टू थ्री और जो कार्बन आपका अटैच होगा बी आर से वो फर्दर थ्री कार्बन से और अटैच होगा इट मीन्स ये हो जाएगा आपका टर्सरी या थ्री डिग्री ठीक है वैलेंसी है पूरी कर लेते हैं यहाँ पे कार्बन की अब बात करें एन ब्यूटाइल की तो एन ब्यूटाइल का मतलब हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर आपके पास कार्बन जो होंगे वो टोटल होंगे फोर लेकिन एन लगा हुआ इसका मतलब यहाँ पे आपके कार्बन अटैच है स्ट्रेट चेन के अंदर ठीक है इन दोनों को हमें कंपेयर करना है किस तरफ टुवर्ड्स एस एन वन रिएक्शन की रिएक्टिविटी अब हमारे प्रीवियस लेक्चर में आप जाकर के इसे देख सकते हैं एस एन वन को पढ़ सकते हैं एस एन टू को पढ़ सकते हैं ठीक है थीके? जो वर्कशीट में हमने क्वेश्चन लिए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके न्यूक्लियोफिलिक सब रिएक्शन पे बेस्ड है तो प्रीवियस लेक्चर्स पे जाइए उसे पढ़िए उसके बाद आप इन सारे क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे कोई एक आध क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है लास्ट बाकी हो जाएंगे आपसे सारे सोल्व तो बहुत आसान क्वेश्चन है देख पा रहे हैं आराम से कि ये थ्री डिग्री है और वो वन डिग्री हमें पता है कि एस की रिएक्टिविटी के अंदर वो कंपाउंड आपका मोर एस एन रिएक्शन देगा आपको जिसमें आपका सबसे स्टेबल कार्बोकोटाइन एज ए इंटरमीडिएट एज एन इंटरमीडिएट आपका वहां पे फॉर्म होता है तो यहाँ पे देखें पहले जैसे इसके अंदर आयनाइजेशन होगा तो कार्बन पे चार्ज क्या इसका आयनाइजेशन होगा कार्बन पे चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव इसका, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास बन रहा है डिग्री यहाँ बन रहा है आपके पास वन डिग्री कार्बोकेटाइन तो थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन आपका क्या होगा मोर स्टेबल ठीक है इट मीन्स आपका ये होगा मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स एस एन वन रिएक्शन एज कंपेयर टू एसन ठीक है सॉरी एज कंपेर टू एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड ठीक है चलिए अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो क्वेश्चन जो है वो क्या है आपके पास वो है क्वेश्चन ये आउट ऑफ क्लोरोबेंजिन एंड बेंजाइल क्लोराइड विच वन गेट्स हाइड्रोलाइज इजीली विथ एन एच ठीक है तो जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन यहां पर है आपके सामने वो क्या है कि क्लोरोबेंजिन और बेंजाइल क्लोराइड दोनों में से एन के साथ कौन जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाएगा एन के साथ दिया हुआ आपको एक्वस देखिए क्लोरोबेंजिन की बात करें तो क्लोरोबेंजिन हमारे पास में है ये वाला जहाँ पे आपका क्लोरीन जो है वो बेंजिन से डायरेक्टली क्या होगा अटैच्ड जबकि बेंजाइल पोजीशन कौन सी होती है आपको मैंने पढ़ा दिया था अगर आपको पढ़ना हो तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर पर जाके देख सकते हैं बेंजाइल के अंदर होता है कार्बन जो होता है सॉरी हाइलोजन जो होता है वो अटैच उस कार्बन से होगा जो आपका sp3 पी होगा और उसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे आपका क्या रहेगा डबल बोंड रहेगा लेकिन वो डबल बोंड किस में होना चाहिए बेंजिन रिंग में ठीक तो है तो चलिए अब हमें देखना ये कि दोनों में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं एक्वस एन एवस से तो आपको रिएक्शन याद आ गई होगी रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है हाइड्रोक्साइड आयन जो रिप्लेस करेगा इसमें प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल को बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पर क्या क्लोरोब के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं लोन पेयर होते हैं जो आपके एटम पर अटैच है वो रेजोनेंस में पार्ट करेंगे जिससे कि यहाँ पे क्या आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इसके बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है इट मीन्स इट मीन्स ये है कि आप यहां से सी सी एल बॉन्ड को इजिली ब्रेक कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कैसा बॉन्ड आपका सिंगल जबकि यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस आपका क्या आ गया है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर तो आप इस बॉन्ड को ईजिली ब्रेक नहीं कर पाएंगे इसीलिए आपका बेंजाइल क्लोराइड जो होगा वो आपका इजिली क्या हो जाएगा हाइड्रोलाइज हो जाएगा और आपके पास क्या बनेगा आंसर आपके पास बन जाएगा बेंजाइलिक एल्कोहल जबकि ये आपका हाइड्रोलाइज इजीली नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हाइलोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्ट करेंगे जिससे कार्बन हाइलोजन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बन जाएगा जिसे ब्रेक कर पाना कैसा है डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया है डबल बॉन्ड बन गया आपका ठीक है इसीलिए यहाँ पे आपका बेंजाइल क्लोराइड जो है वो आपका ईजिली हाइड्रोलाइज होगा विथ एन ठीक है चलिए ये क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो जाता है अपना अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर जो हमारे पास क्वेश्चन थ्री है वो देखिए क्या है क्वेश्चन थ्री में आपसे ये कहा गया है कि आपको गिवन है सी फोर एच नाइन बी आर ठीक है इसके हमें क्या बनाने हैं पॉसिबल आइसोमर्स ठीक है और उनमें से आपको यह बताना है कि विच वन इज मोर रिएक्टिव विच वन विच वन यानी कि विच आइसोमर मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स एस एन वन रिएक्शन ठीक है ये आपके पास क्वेश्चन रहा कि आपके पास में एक केमिकल कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मुला गिवन है जिसके हमें क्या बनाने हैं पॉसिबल आइसोमर्स बनाने हैं और देखना है कि उन सभी आइसोमर्स में से कौन सा आइसोमर आपका एस एन वन रिएक्शन सबसे फास्टर रेट पर देगा तो चलिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे आइसोमर कितने का बनाने वन टू थ्री एंड फोर सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस टू बी आर चेक कर लीजिए सी वन टू थ्री फोर और हाइड्रोजन थ्री टू फाइव टू सेवन नाइन एन बी आर मतलब अपना सही है चलिए इसका सेकेंड आइसोमर जो बन सकता है वो पोजिशनल बन जाएगा सी एस थ्री सी एच बी आर सी एस टू एन सी एस थ्री यानी कि वन ब्रोमो ब्यूटेन टू ब्रोमो ब्यूटेन और क्या बन सकता है ये तो हो आपका वन डिग्री ये हुआ आपका टू डिग्री एक और आइसोमर यानी ये तो कौन सा हो गया आपका एन ब्यूटाइल और यह हुआ आइसोब्यूटाई और अब हम एक और बना सकते हैं नियोब्यूटाइल ठीक है समझ रहे हो बात को तो ये आपके पॉसिबल थ्री आईसो हमने बना दिए हैं जो आपका वन डिग्री है टू डिग्री है और ये थ्री डिग्री अगेन आपको पूछा क्या गया है टूवर्ड्स वर्ड्स एस एन वन पूछा गया है इसका मतलब ये हुआ कि आपको देखना है कि सबसे मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा एजन कार्बो तो ये बन जाएगा आपका थ्री डिग्री इट मीन्स ये वाला आइसोमर आपका सबसे मोर रिएक्टिव होगा ठीक है कॉन्सेप्ट चलिए हमेशा कॉन्सेप्ट जो कहता है आपसे उस तरह से आप हमेशा सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा आपसे ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तीनों आइसोमर बना के देख लीजिए कि सबसे मोर रिएक्टिव कौन होगा तो थ्री डिग्री सबसे मोर रिएक्टिव हो जाएगा क्योंकि इसमें सबसे मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बन जाता है ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर फोर जो आपको गिवन है बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री सी एस टू सी एल और एक आपको गिवन है सी एस थ्री सी एस टू सी एच सी एस थ्री एन ठीक है ये दो कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं आपसे पूछा यह गया है विच वन इज मोर रिएक्टिव विच वन इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स एस एन वन रिएक्शन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा टूवर्ड्स एस एन वन रिएक्शन तो देख लीजिए ये जो है हाइलोजन है इस कंपाउंड में हाइलोजन से अटैच कार्बन ये रहा इससे अटैच कितने का बन वन इट मीन्स यहाँ पे क्या बनेगा वन डिग्री कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट सिंपल सा लॉजिक है जितना स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा उतना ही आपका मोर रिएक्टिव होगा इसको ब्रेक करेंगे तो चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव ये कौन सा हुआ टू डिग्री इट मीन्स ये आपका ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन के तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन उसका बहुत सिंपल सा आंसर चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव जो आपके पास है यहाँ पे वर्कशीट में छोड़ी यहाँ पे नंबरिंग जो है वो थोड़ी चेंज हो गई फोर के बाद सीधा सेवन लिख दिया मैंने वर्कशीट में लेकिन ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ आपका फाइव फाइव क्वेश्चन में भी आपसे ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया है सी एस थ्री सी एस टू बी आर गिवन है आपको और एक और जो आपको गिवन है वो गिवन है आपको सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एस थ्री बी आर ठीक है आपसे इस बार पूछा गया है विच वन इज मोर रिएक्टिव Which one more reactive towards SN2 पूछा गया है इस बार आपसे क्या पूछा गया है कि दोनों में से आपका कौन सा मोर रिएक्टिव होगा टूवर्स एसेंटू रिएक्शन पता है कि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियो फाइल वेट नहीं करता है दूसरे न्यूक्लियो फाइल के निकलने का वो सीधा क्या करता है अटैक फ्रॉम रियर साइड और हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें रियर साइड से अटैक करने पर बहुत सारे बल्कि ग्रुप्स सा अटैच्ड हैं समझ रहे हो तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो क्या है ज़्यादा है जबकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है कम वैसे भी हमें पता है ये वन डिग्री है और ये थ्री डिग्री तो ये आपका होगा मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स एस एन टू रिएक्शन वहीं अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता कि एसन वन का बताइए तो आपका ये वाला मोर रिएक्टिव होता ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल इंटरमीडिएट एजिन का कार्बो कटाए ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए आप ये मैं रफ कर रहा हूं ये वर्कशीट तो बहुत ज्यादा आसान हो गई आप लोगों के लिए लग रहा है मुझे चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स जो आपको यहां पे गिवन है वो क्वेश्चन है आपका ये यहां भी आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि सी एस थ्री सी एच टू बी आर आपको गिवन है और सी एस थ्री सी एच टू आई आपको गिवन है विच वन इज मोर रिएक्टिव इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स एस एन टू रिएक्शन एसेंटू चलिए मैं एक और क्वेश्चन पूछ पूछता हूँ यहाँ से कि आपको इसी क्वेश्चन का यानी सेम क्वेश्चन है और आपको ये भी बताना है चलो बाद में पूछेंगे पहले ये कर लेते हैं क्लियर आपको यहाँ पे दो कंपाउंड दिए हुए हैं सी एस थ्री सी एस टू बी आर और आयोडाइड यानी कि ए, इथेन ब्रोमाइड और आपको इथेन आयोडाइड दोनों दिए हुए हैं कौन सा आपका मोर रिएक्टिव होगा टूवर्ड्स एसेंटू रिएक्शन हमें पता है एसेंटू रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है फ्रॉम रियर साइड क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों कंपाउंड्स के अंदर बैक साइड से अटैक करने में इसको प्रॉब्लम इतनी नहीं आनी चाहिए क्योंकि दोनों के दोनों के यहाँ आपके वन डिग्री या बल्कि ग्रुप आपके ज़्यादा है नहीं तो अटैक जो है वो दोनों ही केस में ईजिली हो पाएगा तो जब आपके यहाँ पर डिग्री सेम है वन डिग्री वन डिग्री तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो इसके लिए भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था मेरे प्रीवियस लेक्चर में कि हम देखेंगे अगर एल्काइल ग्रुप सेम होता है तो उसके में रिएक्टिविटी सबसे हाई किसकी होती है आयोराइडाइन की देन ब्रोमाइड देन क्लोराइड देन फ्लोराइड बताया था बिकॉज अप टू डाउन मूव करने पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है एंड वी नो दैट कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रपोर्शनल है ठीक है देखो मेरा वर्कशीट को यहाँ पे सॉल्व करने का मीनिंग यही होता है हमेशा कि जब भी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊँ तो क्वेश्चन के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों क्योंकि हमने जो पढ़ा है उसे हम कितना और कैसे अप्लाई कर पाते हैं ये हम यहाँ पे सीखते हैं ठीक है तो एक एक क्वेश्चन के आंसर्स को ध्यान से देखिए जब आप इसे देख रहे हैं और एक एक क्वेश्चन के आंसर्स के कॉन्सेप्ट को पिक कीजिए कि हम इसे कैसे सॉल्व करें ठीक है ये नहीं कि फटाफट फटाफट देख लिया हमें आ रहा है ठीक है नहीं कॉन्सेप्ट देखो क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के साथ में इसको सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ठीक है वरना मुझे भी क्या आती कोई प्रॉब्लम नहीं थी फटाफट सोल्व कर देता देखिए चलिए पार्ट देखो क्या हुआ यहाँ पर आयोडाइड सबसे मोर रिएक्टिव हो गया इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ये वाला बोन जो है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा कंपेयर टू बी आर के क्योंकि आयोडीन जो है वो आपका यहाँ पे बेटर लिविंग ग्रुप है बट अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि आपको सेम क्वेश्चन बताना है यानी कि विच वन इज मोर रिएक्टिव बट टूवर्ड्स मैंने पूछ लिया आपसे अगर एस एन वन तब आपका आंसर क्या होगा तब भी आपका आंसर क्या होना है तब भी आपका यही मोर रिएक्टिव होगा यानी कि उस केस में भी आपका आयोडाइड मोर रिएक्टिव होगा किससे, ब्रोमाइड से ठीक है बिकॉज मैंने आपको दोनों के लिए कंसेप्ट दिया हुआ है कि जब आपका एल्काइल ग्रुप सेम हो वन डिग्री है ठीक है तो आपको अकॉर्डिंग टू जाना है आयोडाइड ब्रोमाइड एंड सी एल एन एफ के यानी कि वहाँ पे आपका आयोडीन सबसे मोर रिएक्टिव होगा चाहे से रिएक्शन आपकी एसन वन हो चाहे से रिएक्शन आपकी एसन टू हो ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लेना अपने माइंड में डाल लीजिएगा कि वन डिग्री वन डिग्री या टू डिग्री टू डिग्री या थ्री डिग्री थ्री डिग्री सेम हो तो उस केस में रिएक्टिविटी किसके अकॉर्डिंग दिखी जाएगी बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग जो किसकी हाई होगी सबसे ज़्यादा आयोडाइड आयन की और वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो ईजिली रिलीज हो जाएगा ठीक है आइदर रिएक्शन इज ऐसन वन और एसन टू कोई फ़र्क नहीं पड़ता चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन चलिए देखिए क्या है सेवन क्वेश्चन वॉट हैपन वन सी एस थ्री बी आर इज ट्रीटेड विद के सी एन बहुत आसान लेकिन आसानी के साथ में इसमें क्वेश्चन का जब तो आंसर देते हैं तो साथ में कॉन्सेप्ट भी बता होना चाहिए बताया था आपको कि के सी एन की जब बात करते हैं तो यहाँ मेटल नॉन मेटल के बीच बोंड है आपका तो ये आपका बोंड हुआ प्रीडोमिनेंटली आयोनिक ये मैंने आपको पढ़ाया भी था ठीक है आयोनिक बोंड होने से ये ब्रेक हो जाएगा के पे चार्ज पॉजिटिव सी पे नेगेटिव तो ये आपका हुआ एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल तो अटैक कहाँ से करेगा रियर साइड से और इसके पीछे से बोन बनाएगा तो अटैकिंग स्पीसीज में यहाँ पे बात करें सी एन की तो सी एन क्या होता है आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ये आपका एक एमबी डेंटेड लिगेंड होता है क्या होता है एमबीडेंटेड लिगेंड जो दोनों साइड से अटैक कर सकता है कार्बन से भी और नाइट्रोजन से भी बट इस केस में बात की जाए तो यहाँ पे ये यह आयनिक है दिस मीन्स यहाँ कार्बन जो है वो अटैकिंग है आपका एलिमेंट तो जो बॉन्ड बनेगा वो भी बनेगा कार्बन बॉन्ड कार्बन तो बन जाएगा यहाँ पे साइनाइड आयन क्या बनेगा साइनाइड या नाइट्राइल बन जाएगा आपका एज ए कंपाउंड ठीक है नाम अगर आई की बात करेंगे तो कितने कार्बन होगा टोटल थ्री तो हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल प्रोपेन वन नाइट्राइल ठीक है चलो आसान था बाकी आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में बिल्कुल ये क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर एट विच कंपाउंड इन फॉलोइंग पेयर्स कुछ पेयर्स आपको यहां पे दिए हुए हैं जिसमें आपसे पूछा है रिएक्टिविटी ठीक है टूवर्ड्स एस एन वन रिएक्शन ठीक है यानी आपको कुछ पेयर्स दिए गए यहां पे उनमें पूछा है कि कौन आपका मोर रिएक्टिव होगा टूवर्ड्स एस एन वन रिएक्शन पहला पेयर दिया गया है आपको CL और Cl देख लीजिए क्या देखना है एसन मन वहां पर आ गए जहां पे वहां पे अपन ये कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट कहाँ बन रहा है तो करना कुछ नहीं है कार्बन हाइड्रोजन बोन्ड ब्रेक करना है यहाँ चार्ज क्या जाएगा पॉजिटिव यहाँ भी यही करना है यहाँ चार्ज क्या है पॉजिटिव अब देख लीजिए ये कार्बन कितने से अटैच है टोटल वन और टू कार्बन से तो ये हो गया टू डिग्री कार्बोकेटाइन ठीक है जबकि यहां पे कितने से अटैच है वन टू थ्री से तो ये हुआ थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन तो स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा हो गया आपका ये वाला तो ये हो जाएगा आपका मोर रिएक्टिव ठीक है और सेकंड पेयर जो आपको यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है ये वाला ब्रोमीन एंड ब्रोमीन तो यहां भी दिखाई दे रहा होगा जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर आ जाएगा इसे ब्रेक करेंगे तो पॉजिटिव इसका कार्बन पर होगा ये कार्बो आपका बन जाता है टू डिग्री ये बन जाता है वन डिग्री टू डिग्री आपका मोर स्टेबल मतलब मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स एस एन वन ठीक है तो यहां पर अपने जो क्वेश्चन हैं टोटल एट वो कंप्लीट हो चुके हैं चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन की बात कर लेते हैं ठीक है देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं अच्छे से पढ़ो और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर नाइन जो आपके पास है हाउ मिथाइल ब्रोमाइड आपसे कहा गया है कि मिथाइल ब्रोमाइड जो है वो हो प्रेफरेंशली कन्वर्टेड मिथाइल आइसोसाइनाइड एक तरह से क्वेश्चन जो आपसे पुट अप किया गया है वो किया गया है कि आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड में से कन्वर्ट करना है जहां ये वर्ड आ गया है वहां पे आप रिएक्शन याद कर लीजिए मैंने आपको पढ़ाया था सब्सिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड कंपाउंड और वो कब होता है जब हम किसी हालो एल्केन की रिएक्शन जो है वो किससे करवाते हैं ए से तो मिथाइल ब्रोमाइड आपको लेना है सी एस ठीक है रिएक्शन जो है किससे करवानी है ए से बताया था अकॉर्डिंग टू फाजहान रूल देखते हैं तो ए जी का जो कन्फिग्रेशन है वो शुडो कॉन्फिगुरेशन है तो यहाँ जो बॉन्ड है वो कैसा है आपका कोवलेंट इट मीन्स ये बॉन्ड आपका ईजीली ब्रेक नहीं होगा तो आपके नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लॉन् पेयर जो है वो इसके रियर साइड से अटैक करेंगे तो आपके पास जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा सी एस एन सी यानी कि आइसोसाइनाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड जो रिलीज हुआ बाहर वो क्या हुआ आपका ए जी बी आर कंप्लीट तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था जो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में वैसे ही सॉल्व करवा दिया था ठीक है हम तो कुछ नहीं कर रहे बस केवल आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं जिनके सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहें तो पहले ही करवा चुके हैं ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें नहीं होगा आपके पास मैं आपको यम, आ, बिलीव दिला रहा हूँ उस चीज़ का कि ये वो सब क्वेश्चन हैं जो आपके हर एक सी के रीजन में पूछे गए क्वेश्चन हैं दहली फॉरन ठीक है आपके इंडिया लेवल पे आपके अजमेर हर रीजन से पूछे हुए क्वेश्चन है हर तरह से क्वेश्चन उठा लिए गए हैं हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं देख लीजिए कितना दम है इन क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं है उतना ही है जितना अपन ने पढ़ लिया चलिए नेक्स्ट जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर टेन राइट द केमिकल इक्वेशन वैन यानी कि आपको कुछ रिएक्शंस कंप्लीट करनी है जब क्या पूछा गया आपसे मिथाइल क्लोराइड इस ट्रीटेड मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ ए जी टू कितना आसान क्वेश्चन है करवाया हुआ है आसान इसलिए ठीक है. है तो सी एस थ्री सी एल जो आपने लिया है मिथाइल क्लोराइड इसकी रिएक्शन हमें ए जी एन ओ टू से करवानी है तो देख लीजिए अगेन शूडो कॉन्फ्यग्रेशन नॉट डिफ़िकल्ट मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड है वो आपका कॉबलेंट हो गया है प्रीडोमिनेंटली कॉम्बलेंट होने की वजह से इसको ब्रेक कर पाना ईजिली नहीं पॉसिबल है तो नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लॉन् पेयर जो है ठीक है वो आपका अटैक करेंगे फ्राम रियर साइड तो क्या बन जाएगा हमारे पास सी एस थ्री एन ओ टू जबकि यहाँ पर अगर अपन के एन ओ टू लेते शायद अपना नेक्स्ट ये नहीं है के एन ओ टू लेते अगर हम बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में तो उस केस में क्या होता उस केस में ये बॉन्ड आयोनिक होता और ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव आता और वो इस पर क्या करता अटैक करता फ्रॉम रियर साइड या बैक साइड तो आपके पास बन जाता है ओ नाइट्रीटो अभी क्या बन रहा है एन नाइट्रीटो बन रहा है आपके पास क्योंकि ये भी एक क्या है आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड है दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे इसी में वो पूछा गया है मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ ये मिथाइल क्लोराइड ले लेते ले 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 हैं इसके रिएक्शन करवानी है किससे अमोनिया से अमोनिया के बारे में भी आपको बताया गया था कि इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन को हम ब्रेक कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा नाइट्रोजन की तरफ क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है हाई चार्ज नेगेटिव इस पर पॉजिटिव कौन हुआ है एन टू ये इस पर अटैक करेगा यहाँ से किसको रिलीज कर देगा सी एल को तो हमारे पास क्या बन जाएगा प्राइमरी अमीन बन जाएगा ठीक है तो जब हम ए जी एनओ टू से रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा मिथाइल नाइट्रीटो जो आपका एन से लिंक कर रहा है और यहाँ पे अमोनिया से रिएक्शन करवाने पे क्या बन जाएगा प्राइमरी अमीन बन जाएगा ये दोनों रिएक्शंस भी आपको जस्ट प्रीवियस लेक्चर में करवाई गई थी विद डिस्क्रिप्शन के साथ में तो वहाँ देख लीजिएगा और ज़्यादा अगर आपको डिस्क्रिप्शन में इसको चाहिए हो तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा आसान है आउट ऑफ क्वेश्चन नंबर एलेवन जो आपके पास है out of sn1 and sn2 which reaction occurs with of oh, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछा गया ये inversion of configuration इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ्यूगरेशन तो ये तो आपको पढ़ाया गया था कि एस एन वन और एस एन टू में से किसके अंदर इन्वर्जन ऑफ़ कॉन्फ्योग्रेशन होता है कंडीशन भी बताई गई थी कि जो भी कंपाउंड आप ले रहे हैं वो आपका वन डिग्री हो साथ में आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो ठीक है जैसे ऑप्टिकली एक्टिव होता है अगर उस पर आप न्यूक्लियर फाइल का अटैक करवाते हैं तो वो आपका कॉन्फ़िगरेशन आर से एस में या एस से आर में चेंज हो जाता है वो आपकी डायरेक्ट रिमेंबर लर्न किए हुए लर्निंग बेसिस पे पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपका कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किस में होगा पढ़ाया था आपको एस एन टू के अंदर होगा और दूसरा पूछा गया आपसे रेसेमाइजेशन रेसेमाइजेशन का मतलब मिक्सचर ऑफ दो कंपाउंड इन विच रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एज वेल इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोथ टेक प्लेस और ऐसा किसके अंदर होता है आपका एस एन वन रिएक्शन में ये भी आपको पढ़ाया हुआ है ठीक है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके और डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं चलिए आज की वर्कशीट का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है वो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके पास हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग यानी ये क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं कन्वर्जन्स भी रिएक्शन को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था एक वीडियो लेक्चर में कन्वर्जेंस को सॉल्व करने के लिए आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए टिप्स पे होनी चाहिए आपको ईच एंड एवरी रिएक्शन ठीक है और ऐसे ही नहीं हर रिएक्शन को जब आप कन्वर्जन में यूज़ करते हैं तो ज़रूरी है पहले आपको उसका बेसिक पता हो उसका कॉन्सेप्ट पता हो हर चीज़ माइंड में रहे आपके तब जा कर के आप कन्वर्जेंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे देखिएगा क्या तरीका रहता है सॉल्व करने का नंबर वन इज़ प्रोपीन टू वन आयोडो प्रोपिन वन आयोडो देखिए एक एक चीज को पिक कीजिए तब जाके आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे कन्वर्जेंस को प्रोपीन पूछा गया आपसे प्रोपीन का मतलब हो गया यहां पे आपको अनसेचुरेट दिया हुआ है इन डबल बॉन्ड साथ में क्या बोला हुआ है आपको प्रॉप यानी थ्री कार्बन तो वन टू थ्री और एक हमें डबल बॉन्ड ले लेना है यानी कि अब हमें कुछ नहीं करना केवल वैलेंसी पूरी करनी है कर दी चलिए अब इसको कन्वर्ट किस में करना है वन आयोडो प्रोपेन में कन्वर्ट करना है चलिए इसको भी साइड पे कहीं लिख लेते हैं प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन और यहां पे 1 पोजीशन पे क्या आना चाहिए आपका आयोडीन तो CH2 CH2 CH3 यानी क्वेश्चन तो समझ में आ गया है कि ये से स्टार्ट करना है यहाँ से हमें स्टार्ट करना है और हमें ये बनाना है तो चलो बनाएं कैसे बनाएंगे अरे कैसे बनाएंगे देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ से पिक हो जाती है वो हो जाती है ये कि हमें आयोडीन इस कार्बन पे चाहिए भैया देख लीजिए आपसे कहा गया है वन पे चाहिए अगर आप यहाँ आयोडीन लेते हैं तो वो तो टू पे हो जाएगा तो वो तो गलत है रॉन्ग है इट मीन्स हमें आयोडीन केवल इसी कार्बन पर चाहिए समझ रहे हैं आप ठीक है अब कैसे लाएँ अब आपको याद होगा कि आयोडीन या फ्लोरीन लाने का तो एक ही प्रोसेजर होता है फ्लोरीन अगर हमें चाहिए तो रिएक्शन है स्वाट्स ये मैं आपसे कह रहा हूं ये है पॉइंट क्या कि जब भी ऐसे कन्वर्जन सॉल्व करें तो छोटी छोटी चीजों को पिक कीजिए पिक करते ही आपके माइंड में वो चीज आनी चाहिए कि हाँ हम वहां से ये चीज कर सकते थे मैंने आपसे कहा था कि जब भी फ्लोरीन या आयोडीन चाहिए तो फ्लोरीन के लिए स्वाट्स रिएक्शन यूज कर सकते हैं आयोडीन के लिए फिंकलस्टाइन तो आयोडीन यहाँ पे लाना है तो फिंकलस्टाइन रिएक्शन यूज करेंगे बट अब हमें पता होना चाहिए कि फिंकलस्टाइन रिएक्शन पे तभी पॉसिबल है यानी कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है वो हेलोजन एक्सचेंज यानी हमारे पास ऑलरेडी एक हेलोजन होना चाहिए ठीक है चाहे तो वो Cl हो चाहे तो वो आपका Br हो जिससे अपन रिएक्शन उसकी NaI से करवा सके और क्या बना सके आयोडो प्रोपेन है ना बन गया आराम से यानी हमारे पास ये चीज़ सॉल्व हो जाती है माइंड से ही कि आयोडीन लाने का तरीका ये है कि हमारे पास पहले से ही कोई क्या हो हेलोवलकैन हो जिसकी रिएक्शन हम किससे करवा दें एन के साथ किसकी प्रेजेंस में याद होगा एसीटोन की प्रेजेंस में ठीक है तो ये बन जाएगा बट अब एक चीज़ फंस गई क्या कि ये तो चलो बन गया अब ये हमें लाना है इससे तो ये तो आसान काम है क्या एल्कीन से ये बनाना है क्या सी एल या बी आर बना सकते हो क्या नहीं इतना आसान नहीं है भी देखो कैसे नहीं है अगर मैं इसकी रिएक्शन एच सी एल से करवा दूँ तो याद होगा ये एनसीमेट्रिक एल्किन है और ये हाइड्रोजन हेलाइड है तो सी एल नेगेटिव जो होगा वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल कहाँ चला जाएगा जिस पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो तो यहाँ अगर चला गया तो आयोडीन भी यहीं आएगा तो वो तो गलत हो गया क्योंकि हमें फर्स्ट पोजिशन पर चाहिए मतलब हमें हेलोजन जो है वो इस कार्बन पर चाहिए ठीक है अगर हमें हैलोजन इस कार्बन पे चाहिए इट मीन्स आपको रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किससे करवानी पड़ेगी एच बी आर से इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड ताकि हम इस पर कौन सा रूल अप्लाई कर सकें एंटी मारकोनिकोफ एडिशन ठीक है एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन में आपको बताया था कि बी आर नेगेटिव जो है वो आपका उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है तो बी आर किस पे आएगा इस पे यानी कि यहाँ पे सी एल नहीं आ सकता कौन आएगा ओनली बी आर क्योंकि, क्योंकि कंडीशन होती है एंटी मार्कोनिकोफ रूल की कि हमें परोक्साइड के साथ क्या चाहिए होता है एच बी आर लिया जैसे ही बी आर नेगेटिव यहां पर आ गया अब इसकी रिएक्शन एन ए आई से करवा देंगे तो हमारे पास आइडोप्रोपिन का फॉर्मेशन हो जाएगा समझे छोटे चोड़ छोटे पिक्स फटाफट से रिएक्शन सोल्व आइडोप्रोपिन बनाना है किससे आएगा फिंकल साइन रिएक्शन से उसके लिए पहले से क्या होना चाहिए हाइड्रोजन यानी हेलो हेलोअल्किन होना चाहिए लेकिन हेलो हेलोल्किन में हेलोजन किस पोजिशन पे होना चाहिए फर्स्ट पे क्योंकि हमें फर्स्ट पे ही क्या चाहिए आइडो चाहिए फर्स्ट पे लाने के लिए हमें इस सी एस टू पर चाहिए तो इस सी एस टू पर क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है इस पर कम है इसका मतलब एंटी एंटीमारकोनिक लगाना पड़ेगा तो एच बी आर और परऑक्साइड के साथ ही रिएक्शन पॉसिबल है एचल से नहीं करवा सकते आप यहां पे रिएक्शन ठीक है तो चलिए आपका ये फर्स्ट कन्वर्जन कंप्लीट हो गया है सेकेंड देखते हैं क्या दिया हुआ आपको इथेनॉल टू प्रोपेन वन नाइट्राइल चलिए इसको फिर देख लेंगे अपन इथेनॉल टू वन प्रोपेन नाइट्राइल ये भी अच्छा क्वेश्चन है इथेनॉल टू प्रोपेन वन नाइट्राइल चलो इसमें क्या पिक कर सकते हैं एक चीज़ बहुत अच्छी एथ एथ का मतलब कितने कार्बन टू प्रोप प्रॉप का मतलब कितने कार्बन थ्री यानी कि हमें एथ से कहाँ जाना है प्रॉप पे यानी टू कार्बन से थ्री कार्बन पे जाना है कितना अच्छा क्वेश्चन यानी कि एथेनॉल को लिखा सबसे पहले सी एस थ्री सी टू ओ एच बनाना क्या है प्रोपेन यानी कि सी एस थ्री सी एच टू नाइट्राइल यानी कि सी एन ये हो गया प्रोपेन नाइट्राइल यानी एक काबल पढ़ाना है और इसके लिए मैंने आपको लॉजिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है प्रीवियस लेक्चर के अंदर एसेंट ऑफ कार्बन रिएक्शन कौन सी थी के सी एन से कौन सी थी के सी एन से यानी हम कभी भी किसी भी हेलोवेलकिन के रिएक्शन के सी एन से करवाते हैं तो सी एन जो है वो आपका अटैक करता है रियर साइड से हेलोजन बाहर जाएगा सी एस थ्री सी एन बन जाएगा साथ में रिमूव होगा केसीएल यानी इसमें एक कार्बन था और इसमें दो एसेंट कार्बन समझ रहे हो लेकिन 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 ये है कि के सी एन से रिएक्शन करवाएंगे कब जब आपके पास पहले से क्या होगा हेलवेल्किन लेकिन हमारे पास क्या है एल्कोहल है क्या है एल्कोहल तो पहला काम ये करना है कि एल्कोहल को हमें चेंज करना है किसके अंदर हैलवेल्केन में एच सी एल से रिएक्शन करवा दें ठीक है बहुत सारी रिएक्शन हो सकती हैं इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि हो डार्जन भी हो सकती है एस ओ सी एल टू पी सी एल फाइव से भी करवा सकते हैं पी सी एल थ्री से भी करवा सकते हैं एक्स टू से भी करवा सकते हैं मैंने आपको बहुत सारी रिएक्शन करवाई हैं ब्रेक किया हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा सी एस थ्री सी एच टू सी एल और अब इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे के सी एन के साथ जिसमें सी एन जो आपका एम्बीनडेड लिगेंड है बैक साइड से अटैक करेगा यहाँ से सी को बाहर कर देगा क्या बन जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो देखो कितने अच्छे अच्छे लॉजिक्स के साथ रिएक्शन हो रही है एंटी मार्कोनिकोफ मार्कोनिकोफ कब लगाना है वो देखो कन्वर्जेंस में कब आपको कार्बन को इंक्रीज करना है उसके लिए आप के सी एन सी रिएक्शन करवा सकते हैं जरूरी है के सी एन सी रिएक्शन तभी होगी जब आपके पास पहले से हेलोल्किन हो या हेलोल्किन नहीं है तो पहले से हैलवल्किन में कन्वर्ट कीजिए ठीक है तो इस तरह से आपके कन्वर्जेंस सॉल्व होते हैं चलिए आज की वर्कशीट का हमारा लास्ट क्वेश्चन कन्वर्जन से ही है टू ब्रोमो ब्यूटेन को हमें कन्वर्ट करना है ब्यूटून में चलिए इसको फटाफट से अपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा देखो टू ब्रोमो ब्यूटेन हमें दिया क्या गया है टू ब्रोमो ब्यूटेन इसे कन्वर्ट करना है किसमें ब्यूट टू इन में चलिए देखिए ब्यूटेन यानी कि सैचुरेटेड हमारे का हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है ब्यूटेन का मतलब हो गया सी एस थ्री सी एस टू सी एच सी एस थ्री किस पोजिशन पे टू पे तो वन और टू यहां से ले लेंगे ब्रोमिन सेकंड पोजिशन पे इसे हमें चेंज किस में करना है ब्यूट टू इन में का मतलब हमें बनाना है सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ओके हमें इसे ब्यू टू इन बनाना है तो बेटा देखो ये है वो क्वेश्चन जो अभी तक मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया नहीं है ये क्वेश्चन जिस रिएक्शन से सोल्व होगा वैसे तो एलेवंथ क्लास में पढ़ा चुका हूँ मैं ये ठीक है ले जो रिएक्शन का नाम है मैं आपको बता देता हूँ बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन से सॉल्व होगा ये और अभी अपन ट्वेल्थ की बात करें तो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो अपना जो आएगा उसके अंदर इस रिएक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे अपनी रिएक्शन वहीं से स्टार्ट होगी इस बार रिएक्शन है बीटा एलिमिनेशन मैं आपको याद दिला देता हूँ ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है एक्वस के ओ एच की प्रेजेंस में ठीक है जहाँ पर सबसे पहले बी आर टूटेगा ठीक है नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर आएगा आपका पॉजिटिव है। यहां से बीटा पोजीशन से क्या निकलेगा आपका सॉरी सॉरी आपको ब्यूट बनाना है ना बेटा तो ये देखो यहां, पे, डबल यहां चाहिए। ठीक है चलो अब देखो यहां पर आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन थी तो बीटा का मतलब हमें ये हेलोजन है इसकी रेस्पेक्ट में ये अल्फा हुआ ये बीटा हुआ ये भी बीटा हुआ दोनों साइड बीटा बीटा पोजीशन अगर आपकी है तो किस तरफ से बीटा निकालेंगे उसके लिए एक रूल अप्लाई करना पड़ता है उस रूल का नाम भी आपको याद आ जाएगा सैतजेफ रूल सेतजेफ रूल ये कहता है कि हमें बेटा हाइड्रोजन उस साइड से एलिमिनेट करना चाहिए जिस साइड आपका कार्बन की लॉन्गर चेन हो लॉन्गर चेन किस तरफ है इस तरफ तो हमें इस साइड से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है किया ठीक है चार्ज क्या है नेगेटिव इस पर क्या है पॉजिटिव ठीक है जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये बिहेव करेगा एज ए बेस क्योंकि ये आपका जो मीडियम है सॉरी इस बार कौन सा है अल्कोहलिक मीडियम है कौन सा है अल्कोहलिक मीडियम तो ओ OH एच जो बेस की तरह बिहेव करेगा वो किसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा फंक्शन बताया हुआ है कि बेस का फंक्शन क्या होता है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना तो ओ एच एच के साथ रिएक्ट कर जाएगा क्या निकल जाएगा बाहर आपका एच टू के पॉजिटिव जो है वो बी आर से रिएक्शन करेगा क्या निकलेगा के बी आर और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका डबल बोंड यानी क्या बन जाएगा ब्यूट टू इन यानी कि ये रिएक्शन जो है वो किससे सॉल्व होगी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से इस रिएक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर ठीक है तो यहाँ पे अपनी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है ठीक है और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ कि अब हम मंडे से अपने वीडियो लेक्चर्स जो है वो इलेवेंथ क्लास के लिए भी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है जो बच्चे एलेवन क्लास में अभी आए हैं टेंथ एग्ज़ाम पास कर कर, कर के टेंथ में जिनके एग्जाम्स कुछ बच्चों के हो गए हैं कंप्लीट कुछ के पेंडिंग भी हैं लेकिन वो शायद अब गवर्नमेंट जब लॉकडाउन चल रहा है अपने तो यहाँ पर पॉसिबल है कि वो नहीं भी हो और हो भी जाए जो भी कुछ रहेगा वो गवर्नमेंट के डिसीजन के अकॉर्डिंग होगा बट हमें इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है और इस टाइम को वेस्ट नहीं करके हमें एलेवेंथ की जो प्रस्पेक्टिव स्टडीज़ हैं आगे की तरफ उनको हमें देखना है हमें देखना है हमें सब्जेक्ट क्या चूज़ करना है कैसे लेना है और उसके हिसाब से अब हम लोग एलेवेंथ के लेक्चर्स भी यहाँ पर अपने YouTube चैनल पर डालना स्टार्ट करेंगे जो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको एलेवंथ क्लास के जब भी अपने जो भी नॉन हैं उन सब के लिए या फिर किसी एलेवं क्लास के स्टूडेंट जो भी यहाँ देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि अब से हमारे चैनल पर एलेवेंथ क्लास के जो टॉपिक्स हैं बेसिक्स हैं वो भी अपलोड किए जाएंगे ट्वेल्थ ट्वेल्थ क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि कुछ बच्चों के जो बेसिक्स वीक रह गए हैं उनके पास भी वो टाइम है अभी कि कुछ लेक्चर्स वो भी देखें जिनसे उनके बेसिक्स जो हैं वो थोड़े और स्ट्रांग हो जाए ठीक है थैंक यू